हेलो जी, राम राम जी सारे ने। आप सब किसे? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्टिंग कर दी है शाम तक। और डुगू के जूते फट रहे थे, मतलब वो जो उतर जाया करे ना, वो उतर रहे थे। तो ये वो दे रखे हैं यहाँ मार्केट में ठीक करने के लिए, तो ठीक हो गए हैं, उन्हें लिया हूँ। और डुगू ट्यूशन ता लिया जा रहा है गीता का बुलावा। किसे का मतलब बेटा होया है और उसकी उसमें गवा रखी उनने गीत। तो एक बार पहले जूते उठा लूँ और दूध वाली की वेट करना लग रही हूँ। अब दूध वाली आ जाओ, बहुत देर होगी उसकी बाट देख देख देखते देखते, पर वह तो आई नहीं। फिर मैं सोचूँ इतने जूते उठा लिया हूँ, फिर दूध दरक्का न भीतर और फिर कितना में चली जाऊँ, क्योंकि बहुत देर होगी है। बाट देखते देखते उनका मतलब बुलावा आए, सोचेंगे आए को ना, क्योंकि एक बार पहले भी आया था जब मर थी को ना। तो फिर मैं सच्ची में कहा चल ठीक है, एक बार यहाँ से जरूर जाया हूँ। और एक बार यहाँ सेड बताइए लिपस्टिक की किसी लगी, मैंने कुछ अजीब सी लगी बीरा ना, पता ही नहीं चलता। ले कर आओ ना जब कुछ दिखा है, और बाद में कुछ दिखा है तो ठीक है। गई जी एक बार ले आऊँ, पहले जूते उठा लाऊँ, उसके बाद दूध आओगा, दूध रखा है ना, फिर जाऊँगी मैं कीता मैं। और बाकी का अपने दिखा दूंगी, उड़े के कुछ रहेगा। ठीक है गाइज, सारी
मंडी में वहां से आले थे कितना मता आ गए ना, फिर मैं सोची शाम का टाइम हो रहा है, रोज कई दिन हो गए थे सब्जी कती खत्म हो रही है, कदे आलू सब्जी बनावा, कदे चटनी बनावा, कदे राजमा बनावा, क्योंकि ये चीज अवेलेबल हो जावा है। तो इस मारे सब्जी बिना फिर डुगू का भी थोड़ा सा यूरो सब्जी नहीं बनाई और होनी भी चाहिए, क्योंकि सब्जी बिना रोटी ना खाई जाती, कई दिन हो गए खीरे वीरे सब कुछ खत्म हो रहा है। और ना डंगसर पकड़ ले बेटा, अरे देर आने लग रहा है अपने ब्लॉग में, दिखता भी होगा थोड़ा, इस बार पकड़ ले दीक्षा झुका के, फोन ऐसे पकड़ रखा है ना। अरे गाड़ी तो अड़े लगा देनी चाहिए थी, अड़ लगा दो। क्या बात, मंडी तक गाड़ी, मंडी तक तो सारी आना वहाँ, चलिए लगा देते हैं गाड़ी, क्योंकि रास्ता नहीं है लिया वहाँ एक बारी सब्जी। इतनी धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा, और मैंने सिर्फ ढक लिया दीक्षा ने कही ओके कर रही है, मैं कहा धूल चल रही बट्टा सब्जी मंडी में बहुत बनी तेज, पहले बढ़िया के लिया फ्रूट और फिर यहाँ तक ले लेंगे सब्जी। कौन मेरी फ्रेंड? अच्छा भाई, और लग रहा है गाड़ी गड़ी कराए यहाँ छीड़ में, क्योंकि ज़्यादा भीड़ में ना लेके गड़ पड़े, मैं कहा पैदल पैदल कर लेंगे जो करना है बाकी। तो भाई मंडी में बहुत मस्त असेंबली में इतनी मस्त करी थी, पोल्यूशन फैलाना चाहिए, कूड़ा कड़ा तो है खरा करना चाहिए। उसने एक्टिंग करी थी बहुत मस्त करी थी, फनी भी थी और लॉजिकल भी चीज़ें थी। अच्छा तो फिर ये ना कि आसपास में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जो भी कूड़ा हो हमने एक जगह पे इकट्ठा कर देना चाहिए, क्योंकि सारे का फैली फैली है ना, ये गाय गुए खाती रोज करी सब्जी मंडी में है। यहाँ देखो लग रही है मार्केट, मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, शाम का टाइम बढ़िया मौसम हो रहा है, दो तीन दिन तक जैसे स्पेशल मौसम हो रहा है। भाई बढ़िया था ये कहते पीला, हाँ क्योंकि खाना तो ही चाहिए, सेकता ही ना चाहिए भाई। चिपकी हो गया ओ भाई, कदे पड़ा एक कदम खराब लगड़ा, इतना बड़े कौन खाएगा भाई, ओए दो कर दे सोगा देगा। तो भाई सब्जी मंडी तार ली हूँ, और आने के बाद सुमन का फ़ोन आ गया है कि किसी की दरन डिग रही है, जो मेरे साथ होली पे खेले थे ना उनकी घरवाली की, तो एक बार उसकी दरन ठवाया हूँ जाकर नमाज हो रहा है। तो रात का टाइम हो रहा है, बातें आते 7:45 का टाइम हो गया, और फिर बस ही फोन आ गया अगर फटाफट आ जा, मका के बनाऊँगी खाना खुना। तो एक बार जाया हूँ उसकी, पहला दरन ठवाया हूँ मैं, क्योंकि फिर मेरे तो ना टहना गया, मका यार काम भी ना करे, फिर मका चल कोई बात ना दुखी हो रही है वह, एक बार फटाफट ठवा कर ना आके फिर फटाफट खाना खुना बनाऊँगी जो काम हम करूँगे। चलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स किड्स किड्स, तारे दिला मैं कहते हैं रियल एस्टेट में सिर्फ दो ही चीजें चलती हैं, एक तो लोगों का कंपनी पे भरोसा और दूसरा उस कंपनी का तजुर्बा।